राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस जहां अपने पोस्टर से चुनावी वादे पूरे करने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने पोस्टर से उन्हीं चुनावी वादों को लेकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया है। कुछ दिन पहले अपने अभियान में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। अब इस पोस्टर को लेकर बीजेपी खुद घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के इस पोस्टर में क्या है और ये पोस्टर अब कैसे बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन गया है, इसे जानने से पहले आपको बीजेपी का ये पोस्टर दिखा देते हैं। कुछ दिनों पहले अभियान में बीजेपी ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर पर एक किसान की फोटो भी लगी थी। अब उसी किसान ने दावा किया है कि बिना इजाजत उसकी फोटो का इस्तेमाल किया गया। किसान का ये भी कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई, वो तो 200 बीघा जमीन का मालिक है। दैनिक भास्कर से बातचीत में बीजेपी के पोस्टर वाले किसान मधुराम का कहना है कि मेरी फोटो बिना वजह लगा दी, मुझसे पूछा भी नहीं, मेरा कोई कर्जा नहीं है, इस फोटो को हटाओ। अगर मेरी जमीन नीलाम होती या मेरे ऊपर कर्जा होता तो सरकार कर्जा माफी करती है या जमीन दबाएगी। मैं भाजपा वालों को नहीं जानता, मैंने कोई लोन नहीं लिया। हाँ, मेरी केसीसी ली हुई है, कोई मुझसे कुछ मांग रहा है तो फोटो छापो, लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्यों छापा। किसी के पास कोई सबूत होंगे जो साबित करे कि मेरी जमीन नीलाम हुई है। मधुराम का दावा है कि उसके पास 200 से अधिक बीघा जमीन है, खेत में उनका घर है। जयपुर में कई जगहों पर ये बैनर लगा। मधुराम ने बताया कि उनके गांव से एक युवक कुछ दिन पहले जयपुर आया। उसने जयपुर में कई जगहों पर ये बैनर लगा देखा जिस पर मधुराम की फोटो थी। उसने बैनर का फोटो लेकर गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। इसी ग्रुप में किसान का बेटा जुड़ा हुआ था। उसने ये मैसेज देखा तो अपने पिता को बताया। मधुराम ने कहा कि पहले तो बेटे ने बताया तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बैनर में जमीन नीलामी की बात थी, लेकिन मेरी तो कोई जमीन ही नीलाम नहीं हुई। अब बीजेपी अपने इसी पोस्टर को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है।